ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली डॉट ईआरपी नाइन की क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं। पेरोल का एक टॉपिक है और उसमें हम लोग चाहते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास में एक एम्प्लॉय है मनोज चौधरी, और उस मनोज चौधरी की जो सैलरी है वो पहली सैलरी आप ऊपर वाली इसमें देख पा रहे होंगे। मैं आपको जो बताऊंगा ये ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाली कंपनी इसमें बताऊंगा। इसमें अगर मनोज चौधरी की आप सैलरी देखते हो तो बेसिक पे यहाँ पे 8,000 है और जबकि यहाँ पे कितना हो गया है 9,000 हो गया। ऐसे कन्वेंस जो अलाउंस है उसमें 500 है और यहाँ पे कन्वेंस अलाउंस कितना हो गया 1100 हो गया है। देन ओवर टाइम है जो वो 120 है और यहाँ पे ये 100 हो गया है। और देन कैंटीन डिटेक्शन है जो ये 600 है और जो 400 हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है ऊपर वाला ये मुझे चेंज करना है 1 जुलाई 2023 है। 1 जुलाई 2023 से ये मेरा पे सैलरी स्ट्रक्चर ये वाला था और 1 अक्टूबर 2023 से मैं नीचे जो दिया गया है ये सारी चीजें करने वाला हूँ, ये चेंज करने वाला हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि ये कैसे मैंने यहाँ पे चेंज ये करूंगा, मैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे नई सैलरी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, अगर वो सब चीज आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नीचे का जो स्ट्रक्चर वो सेम टू सेम है तो इसलिए मुझे नीचे के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करना है। बाकी ये जो सारा सैलरी स्ट्रक्चर है ये मुझे बदलाव करना है और इसे बदलने के लिए अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डबल क्लिक करके आपको अपनी कंपनी ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद आपकी कंपनी इस तरीके से आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से एक कंपनी आ चुकी है। और ये आने के बाद में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टेली में जाना है। एक बार आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और कंपनी आपने नहीं बना रखी है और टेली पर सीधा ही वर्क करना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू, तो आप सबसे पहले ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में जाएं और वहां पे टेली.erp9 की क्लास में चले जाएं। वहां पे जब प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहां पे आपको 1 2 3 4 5 वीडियो देखनी है, वहां पे आपको कंपनी बनाना और शर्ट सेलेक्ट करना समझ में आ जाएगा। जैसे आप कंपनी बना के सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे कंपनी का नेम आ जाएगा, आपकी कंपनी जो भी होगी, और यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली आ जाएगा। इसके बाद में मैं जो टॉपिक कर रहा हूँ पेरोल का कर रहा हूँ। आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे मास्टर्स में पेरोल इन्फो एंड ट्रांजेक्शन में पेरोल बाउचर तभी आएगा जब आपने पेरोल की सभी क्लासे कर रखी होंगी और इसको एक्टिवेट कर रखा होगा। यदि आपने नहीं कर रखा है तो ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट YouTube चैनल में एक बार फिर से जाएं और वहां पे tele.erp9 की 100 प्लेलिस्ट में 129 नंबर की क्लास है, उस जगह से आज तक की जितनी क्लास है कंटिन्यू आपको करनी होंगी, तभी आप आज का टॉपिक कर सकते हो जिसमें आपको सैलरी स्ट्रक्चर को चेंज करना है। चलिए आपने मान लेते हैं सभी चीजें कर रखी है, रेडी है आपके पास और मेरे पास भी रेडी है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टेली में सैलरी स्ट्रक्चर चेंज करना है तो पेरोल इन्फो के अंदर जाना है। जैसे पेरोल इन्फो में जाते हैं तो यहाँ पे आपको सैलरी डिटेल्स मिलेगा। यहाँ पे हम लोग जब पहले जब सैलरी बनाई थी तब भी यहाँ पे हम लोग गए थे और बनाने के बाद में यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले में जाना है, लेकिन मुझे सैलरी स्ट्रक्चर को चेंज करना है इसलिए मैं कहाँ पे जाऊँगा, डिफाइन में। डिफाइन में जाने के बाद जो भी एम्प्लॉय आपके यहाँ होंगे सबकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। मैंने एक एम्प्लॉय क्रिएट कर रखा है इसलिए एक ही यहाँ पे नाम आ रहा है। मुझे सिर्फ एक नाम जो दे रखा मनोज चौधरी उसी की सैलरी स्ट्रक्चर को चेंज करना सीखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे तो इस तरीके से मनोज चौधरी की जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो आ चुका है। अब मुझे क्या है कि ये 1 जुलाई 2023 को ये वाला स्ट्रक्चर था और अब मुझे दूसरे जो डेट है उस डेट में मुझे ये स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो मुझे करना क्या होगा, ये करने के लिए सबसे पहले मुझे लास्ट में जाना होगा। लास्ट जो एडवांस सैलरी है आप इस पर आ जाएं और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इफेक्टिव फ्रॉम में दोबारा से आपसे आपसे डेट चेंज करने के लिए पूछेगा। 1 जुलाई की डेट थी, मुझे 1 अगस्त से चालू करना है, तो मैं 1.8 लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1.8 लिखा, यहाँ पे 1 अगस्त 2023 आ गया है और ऊपर का सैलरी स्ट्रक्चर है जो इसमें से सबसे पहले जैसा दिया है वैसा ही सेम टू सेम करना है। यहाँ पे लिखा है कि आप स्टार्ट रिफ्रेश, तो आप यहाँ से फ्रेश लेना चाहते हो डेटा तो यहाँ पे करेंगे, लेकिन हमें सेम टू सेम रखना, उसी में बदलाव करना है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू। ये करने के बाद में आपके पास पूरे ऊपर की जो पे हेड है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। अब आप उनमें सबसे पहले क्या करना है, पे हेड को पे जाना है और पे जो बेसिक पे जो दे रखा है, बेसिक पे ऊपर देखोगे पे बेसिक पे आपका 8,000 है, ये मुझे कितना करना है, ये मुझे करना था 9,000। कितना करना है, ये वाला मुझे 9,000 करना है और 9,000 रुपये यहाँ पे मुझे चेंज करने हैं। एंटर करेंगे
इसके बाद में जो एचआर है उसमें कोई बदलाव नहीं है। कन्वेंस अलाउंस में बिल्कुल चेंजेस हैं। कन्वेंस अलाउंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो कन्वेंस अलाउंस मेरे पास में जो मुझे बदलना था वो यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो उस तरीके से। यहाँ पे 1100 है, कितना है 1100, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है 1100 डालना है। कन्वेंस अलाउंस एंटर करेंगे, ओवर टाइम वहां पे कितना दिया हुआ है वो देख लेते हैं। 100 है वहां पे, कितना है 100, ओवर टाइम यहाँ पे 100 है, लेकिन यहाँ मेरे पास 120 है, तो यहाँ पे हम लोग इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे 100 करेंगे। देन इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, कैंटीन डिडक्शन जो दिया हुआ है उसको मैं एक बार देख लेता हूँ कितना है। कैंटीन डिडक्शन जो होगा वो 400 रुपये है, पहले आपके 600 रुपये कट रहे थे और यहाँ पे आप जो फ्लैट हो रहा है वो कितना होगा 400। इस तरीके से ये सैलरी स्ट्रक्चर तो आपको क्या करना था, सेम करना था। उसके बाद में नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम रखना है, इसलिए आपको नीचे कुछ भी नहीं करना है और नीचे एंटर करते हुए चलना है। सिर्फ एंटर करते हुए आप या कंट्रोल ए यहाँ पे दिया गया है एक्सेप्ट के लिए, कंट्रोल ए, उससे डायरेक्ट एक्सेप्ट भी आप इसे कर सकते थे और एंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करके आप इसको एस्केप की से बैक आए और डिस्प्ले में जाके आप देख सकते हो कि उसका स्ट्रक्चर नया वाला क्या है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको 1 अगस्त 2023 से जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो यहाँ पे इस तरीके से है। बेसिक पे 9000 हो गया है, कन्वेंस अलाउंस 1100 हो गया है, ओवर टाइम 100 हो गया है और कैंटीन डिडक्शन 400 हो गया है। बाकी नीचे का एज इट इज है, कोई बदलाव नहीं है। इस तरीके से हम किसी भी एम्प्लॉय की जो नए मंथ के लिए सैलरी स्ट्रक्चर में चेंजेज आते हैं, उसकी जो सैलरी बढ़ती है, इंक्रीमेंट लगते हैं, कोई जैसे ओवर टाइम में कटौती हुई है, कैंटीन डिडक्शन जो कट रहा था उसमें से 100 रुपये कम कटने लग गया है, 400 कट रहा है, तो इस तरीके का जो भी चेंजेज इसमें होता है आप किसी भी एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर को इस तरीके से बदल सकते हो। अगर आपको ये क्लास आपको समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो आप बार बार इसको बैक जाके देख सकते हैं और बैक देखने के बाद आप इस सारे टॉपिकों को कर सकते हैं, आपको 100% ये समझ में आ जाएगा। चलिए आगे कर बढ़ते हैं, उसके लिए एस्केप की से बैक आना है और बैक आने के बाद आप वापस से गेटवे ऑफ टेली पे आ जाएंगे और आने के बाद में आप नया टॉपिक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।